बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज मैं आपको जिस वेबसाइट का रिव्यू करने जा रहा हूँ वो बड़े मज़े का होने वाला है, और सबसे अहम बात यह है कि ये बिल्कुल फ्री है लर्निंग के लिए और फ्री कोर्सेज करने के लिए। तो चलिए आज रिव्यू करते हैं एलिसंस एकेडमी को। तो ये मैं एलिसंस एकेडमी की वेबसाइट को ओपन कर रहा हूँ, इसके होम पेज पे हम पहुँच चुके हैं। तो यहाँ पे आपको बड़ा सिंपल सा और बड़ा डिसेंट सा आपको जो है वो ये होम पेज नज़र आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे आप तकरीबन आईटी रिलेटेड, ना सिर्फ आईटी रिलेटेड बल्कि हर किस्म के सॉफ्टवेयर जो है डेवलपमेंट वगैरह के और ये वो कोर्सेज आप कर सकते हैं। तो इसके लिए आपने ये सर्च करना है, यहाँ पे जो भी आप कोर्सेज करना चाहते हैं तब भी ठीक है, अगर नहीं भी सर्च करना है तो नीचे आपको ये कैटेगरीज मिली है जिसमें आईटी, हेल्थ, लैंग्वेज, बिजनेस मैनेजमेंट, इंग्लिश, पर्सनल डेवलपमेंट, सेल्स एंड मार्केटिंग, इंजीनियरिंग एंड कंस्ट्रक्शन, टीचिंग एंड एकेडमी के कोर्सेज मिलते हैं। इसमें सबसे ज़्यादा जो कोर्सेज हैं वो टीचिंग एंड एकेडमिक्स के हैं, और बिज़नेस के भी बहुत ज़्यादा कोर्सेज हैं। बिज़नेस के 1301 हैं जबकि टीचिंग एंड एकेडमिक्स के 1066 कोर्सेज अवेलेबल हैं। तो आप इसको एक्सप्लोर कर सकते हैं, जैसे कि मैंने अभी आईटी के कोर्सेज को एक्सप्लोर करने के लिए क्लिक किया है तो सामने हमारे पास आईटी के कोर्सेज आ चुके हैं। एलिसंस पे दो तरह के कोर्सेज ऑफर किए जाते हैं, एक तरह का इसको कहते हैं सर्टिफिकेट कोर्सेज, जबकि दूसरी तरह के कोर्सेज को हम डिप्लोमा कोर्सेज कहा जाता है। यहाँ पे जो आईटी कोर्सेज हैं वो आपके सामने ओपन हो चुके हैं, ये देख सकते हैं। यहाँ पे सर्टिफिकेट लिखा आ रहा है, यहाँ पे भी सर्टिफिकेट लिखा आ रहा है, यहाँ पे भी सर्टिफिकेट। तो ये सर्टिफिकेट कोर्सेज शॉर्ट कोर्सेज होते हैं, छोटे कोर्सेज होते हैं। ये आप देख सकते हैं, जैसे ये है डिप्लोमा इन मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम्स एंड इंट्रोडक्शन, ये डिप्लोमा है। और एज इट इज़ ये भी डिप्लोमा है, डिप्लोमा इन सर्टिफाइड इंफॉर्मेशन सिस्टम सिक्योरिटी प्रोफेशनल CISSP 2019। तो इस पर बड़ा सिंपल सा काम है, आप सिंपल इस पर लॉगिन कर सकते हैं, साइन अप करने के बाद आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं और इसकी लर्निंग फ्री है। जबकि इसका अगर सर्टिफिकेट आप परचेज करना चाहते हैं तो उसकी प्राइस होती है। तो अभी मैं आपको अपना पोर्टफोलियो दिखाता हूँ, ये देखें डैशबोर्ड में मैं आ गया हूँ। डैशबोर्ड में आप देख सकते हैं मैं ये इधर से 112 कोर्सेज ऑलरेडी कर रहा हूँ, जिसमें से मैंने 12 कोर्सेज कम्प्लीट भी किए हुए हैं। तो ये मेरा छोटा डैशबोर्ड है जिधर वो आपकी डेली की प्रोग्रेस जो है वो जनरेट करता रहता है। इसके बाद आप यहाँ से अपनी रिपोर्ट भी जनरेट कर सकते हैं, और यहाँ से ये जैसे मैंने लर्निंग रिपोर्ट पे गया हूँ तो यहाँ से आपको मंथली रिपोर्ट मिल सकती है कि आपने किस महीने में कितने कोर्सेज स्टार्ट किए, कितने कंप्लीट किए, क्या आपकी प्रोग्रेस रही है। तो इस महीने में क्योंकि ये अभी महीना स्टार्ट हुआ है तो मैं पिछले महीने की आपको निकाल के दिखाता हूँ। जनवरी की बजाय हम दिसंबर की निकालते हैं, दिसंबर 2022। ये देखें जी, यहाँ पे इसने हमें बताया कि बेस्ट लर्निंग डे कौन सा है, ठीक है, संडे का है, और 8 दिसंबर का है। इसके अलावा वो मेरी पूरी तफसील बता रहा है कि मैंने कितने कोर्सेज में प्रोग्रेस की, कितने मैंने जो है वो इनके बैजेस अचीव किए, गोल्स अचीव किए, ठीक है, ये सारी वो तफसील यहाँ पर बता रहा है, ठीक है। राइट, अब मैं आपको इससे पीछे वाले महीने को खोल के दिखाता हूँ, नवंबर, ये अक्टूबर का महीना है, इसमें मैंने कितने कोर्सेज कंप्लीट किए, क्या किया, आपको वो पूरी तफसील आ रही है, ठीक है। अब इसके बाद हम मैं आपको दिखाता हूँ कि ये ना सिर्फ ये रिपोर्ट जनरेट करता है बल्कि हमारी पूरी जो ओवरऑल कौन कौन से हम कोर्सेज कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, तो इसकी भी पूरी तफसील मिल जाती है। ये अकाउंट सेटिंग पर जाएंगे तो यहाँ से आप लर्नर रिकॉर्ड जो है पूरा रिकॉर्ड अपना डाउनलोड कर सकते हैं PDF फॉर्मेट में, ये मेरा रिकॉर्ड आ जाएगा अभी। तो ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मेरा पूरा रिकॉर्ड जो है वो आ चुका है, इसमें पूरी तफसील जो है वो मौजूद है, 33 पेजेस हैं, ठीक है। इसको हम सेव कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं और बाद में हम इसके लिए कर सकते हैं। एलिसंस के रिलेटेड वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया, आप लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके, थैंक यू।